हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन एंड द प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट लास्ट ट्वेंटी ईयर से अराउंड टू डिकेट से मैं साउथ डली छतरपुर में एज ए फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आज हम बात करेंगे कि जो आपका हार्ट अटैक है और जो आपका हर्ट वर्न है उसमें क्या अंतर होता है और कई बार आपने देखा होगा कि ये कन्फ्यूज़न काफ़ी जानलेवा हो हो जाता है लगभग मतलब हजारों में एक एक या दो इंसान इस वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं कि एक कन्फ्यूज़न वो कैरी करते हैं कि चेस्ट बर्न है भाई गैस का दर्द है मस्कुलर पेन है या फिर दिल का दर्द है बीपी के कारण दर्द है अटैक के कारण दर्द है बहुत सारे लोग इसको नेगलेक्ट करते हैं और बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते या जीपी लेवल पे या फर्स्ट लेवल पे जब फिजिशियन को आप आ, रिपोर्ट करते हो तो फिजिशियन आपको अच्छे से एग्जामिन नहीं करता वो सारे पैरामीटर को नहीं अंडरस्टेंड करने की कोशिश करता और उससे एक कन्फ्यूज़न होता है लोग बहुत लाइटली ले, ले लेते हैं कि भाई गैस का दर्द होगा मस्कुलर पेन होगा ये बात बिल्कुल ठीक है कि चेस्ट के अंदर जो पेन आते हैं उसके जो सिमिलरिटी है वो लगभग सेवेंटी परसेंट कोई भी कॉज हो कोई भी कारण हो आपको पेन की जो डिग्री है और जो पेन का जो सेंसेशन है वो लगभग सेम ही लगेगा लेकिन फिर भी कुछ डिस्टिविंग सिम्टम्स हैं कुछ बुनियादी अंतर हैं उसको आपको समझना होगा यदि ये अंतर आप अच्छे से समझेंगे तो आप अपने को बचा सकते हैं समय रहते आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आप प्री मेच्योर डेथ या प्री मेच्योर जो डैमेज होते हैं आपके बॉडी के अंदर जो आपके आर्टीज में या आपके हार्ट के लेवल पे जो चीज़ें डैमेज होती हैं या ब्रेन के लेवल पे ड्यू टू द ब्लड प्रेशर उनसे आपको आप बच सकते हो तो सबसे पहली स्टेट फॉरवर्ड चीजें हैं कि आपको क्लियरली आपको ये समझना होगा कि दोनों के सिम्टम्स क्या हैं और दोनों में अंतर क्या है देखो आपका जो चेस्ट बर्न है या जो हार्ट बर्न है उसमें जो कॉमन सी चीज है कि वो बर्निंग सेंसेशन रहती है और बर्निंग सेंसेशन जो है वो कंसनट्रेटेड होती है मतलब एक जगह ही रहती है चेस्ट में वो आगे पीछे नहीं जाती तो सबसे पहला यदि आपको हार्ट बर्न है तो आपको बर्निंग सेंसेशन होगी दूसरे नंबर पे आपका सॉर थ्रॉट होगा मतलब गले में आपको कंजेशन लगेगा म्यूकस लगेगा और ड्राई हो सकता है या फिर आपको टेस्ट उसका बदल सकता है डिफिकल्टी इन स्वेलो आप जब स्वेलो करेंगे सटकेंगे कोई भी चीज़ तो आपको हल्का सा हैवीनेस और डिफिकल्टी महसूस होगी फीलिंग ऑफ कि फ, आ, जो फूड है वो जब आप लेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा हैवीनेस बढ़ जाएगा हैवीनेस की फीलिंग आप आ, महसूस करेंगे कई बार आप गले में या चेस्ट में जो फूड है वो स्टक हो गया, कुछ फस गया है कुछ फंस गया है ऐसा महसूस करते हैं नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है और नोजिया वॉमिटिंग आपको हो भी सकती है तो जैसे ही नोजिया वॉमिट होगा आपको या फीलिंग होगी तो उसके बाद आपका जो आ, सेंसेशन है जो पेन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा फीलिंग ऑफ वॉमिट के बाद आपको कंप्लीटली रिलीफ मिल जाता है और सॉर थ्रॉट जो है वो भी आपका कम हो जाता है और आपका पेन की डिग्री भी कम हो जाती है तो जो हर्ट बर्न है वो टेम्परेरी है उसके जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से वेरी करते हैं अब हम वहाँ आते हैं कि आपको यदि एंजाइना के कारण आ, दिल की बीमारी के कारण या फिर किसी कोलेस्ट्रोल के बढ़ने के कारण या चेस्ट पेन या कॉरनरी आर्ट डिसीज के कारण यदि हर्ट बर्न है चेस्ट में पेन है या हार्ट अटैक है तो उसके फिर क्या सिम्टम्स होंगे चेस्ट की मैं आपको ना पेन होगा विद अ हैवीनेस लोडेड एक हैवी पेन लगेगा और आपको मतलब एक आ, मतलब टाइटनेस लगेगी मतलब चेस्ट के अंदर की जैसे किसी ने कुछ जख्म कर दिया हो कुछ टाइटनेस हो एक सार पेन आएगा और पेन के साथ डिसकम्फर्ट होगा और पेन जो है वो आपका रेडिएट होगा मोस्ट कॉमन जो चांसेस हैं कि वो लेफ्ट की साइड आपके लेफ्ट की शोल्डर की साइड रेडिएट होगा लेकिन कुछ केसेस में वो आपके जौ तक आ सकता है वो आपको अपर शोल्डर्स की तरफ रेडिएट हो सकता है पेन रेडिएट रहेगा और पेन की जो डिग्री है वो विदाउट ए मेडिसन कम नहीं होगी इवन पेन किलर से भी कम नहीं होगी एंटासिड आप लेंगे उससे भी कम नहीं होगा आपका पेन केवल डिस्प्रिन से कम होगा तो यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो पहले तो इमीडिएटली आप डिस्प्रिन डिजोल्व uh, करके वाटर में ले लीजिए और फिर कोई आप एंटासिड ले लीजिए उसके बाद आएगा कि आपको ठंडा पसीना आएगा कोल्ड स्वेट आप महसूस करेंगे हार्ट uh, बर्न uh, होगा आपको और इंडाइजेशन uh, महसूस करेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी और ब्रीथ को आपको टाइट खींच के लेना पड़ेगा आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सांस के साथ ना आप जब ब्रीथ ले रहे हैं तो कोई हैवी चीज है जो आपको खींच रही है जो पकड़ के तो इस तरह के बुनियादी जो बेसिक सिम्टम्स हैं जो बेसिक डिफरेंस है उसको आप समझिए और इमीडिएटली यदि आपको ऐसा कुछ महसूस होता है तो विदाउट एनी डिले इसका कोई सेल्फ मेडिकेशन या होम रेमेडीज मत करिए अपने से जज मत करिए आप एक बार फिजिशियन को विजिट करिए फिजिशियन फर्स्ट लेवल पे आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कुछ दवाइयां देंगे यदि वो रेस्पॉन्स करती हैं आपका पेन न्यूट्रलाइज हो जाता है इज गुड एंड वेल फिर अंडरलाइन कॉज पे जाके उसका ट्रीटमेंट आपको ऑफर करेंगे यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो इमीडिएट ई कराइए क्योंकि ई यदि तीन घंटे बाद या दस घंटे बाद या एक दिन बाद आप कराएंगे तो ई से फिर फाइंडिंग करना बहुत मुश्किल होता है और वो कई बार स्ट्रोक आ जाता है दौरा पड़ जाता है और वो हमारे साथ जुड़ जाता है और हम उसके साथ ही जीना शुरू कर देते हैं क्योंकि फिर यदि डिले हो गया है तो फिर दूसरी जांचें करानी होंगी आप क्योंकि ईसीजी से फिर समझना बहुत मुश्किल होगा और एंजाइना का जो पेन होता है जो ब्लड प्रेशर का दौरा होता है या जब आपकी शुरुआत होती है कॉर्नरी आर्टी डिसीज की तो कई बारी जो अटैक है वो उतना ज्यादा सीवियर नहीं होता उतना ज्यादा दर्द नहीं होता इसीलिए हम उसको अवॉइड भी कर देते हैं तो ये आपको नहीं करना है Thank you very much and take care yourself.